दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं, साथ ही वे भारत के सबसे सफल कप्तान भी हैं, क्योंकि जो कुछ धोनी ने भारत को अपनी कप्तानी में दिया वो कोई और कप्तान नहीं दे सका। धोनी दुनिया के ऐसे इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने भारतीय टीम को तीनों ICC की ट्रॉफियां जितवाई, चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, या 2011 का वनडे विश्व कप हो, या फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो। ये तमाम सब उपलब्धियां धोनी ने ही भारत को दी हैं। धोनी अक्सर अपनी कप्तानी में बेहतरीन फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धोनी की कप्तानी के हर फैसले बिल्कुल सही रहे। धोनी के कप्तानी करियर का इतिहास गवाह है कि कुछ ऐसे फैसले उन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान लिए जो हर किसी की समझ से बाहर हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको अपनी कप्तानी के दौरान धोनी द्वारा लिए गए 5 ऐसे फैसलों के बारे में बताएंगे जो गलत साबित हुए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। सहवाग, गंभीर और सचिन को एक साथ मौका ना देना। धोनी द्वारा लिए गए गलत फैसलों में एक फैसला ये भी था, 2011-12 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंडिया के कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ी अजीब रणनीति खेली थी, जिसमें उन्होंने टीम के तीन सबसे बेहतरीन और अनुभवी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन को एक साथ मौका न देने की रणनीति अपनाई। इस रणनीति के तहत महेंद्र सिंह धोनी ने CB सीरीज के किसी भी मैच में इन तीनों दिग्गजों और अनुभवी खिलाड़ियों को एक साथ नहीं खिलाया। महेंद्र सिंह धोनी की इस रणनीति के फैसले की जमकर आलोचना हुई, लेकिन वो अपने इस फैसले पर डटे रहे। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ जडेजा को नंबर 4 पर भेजना। साल 2009 में T20 वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण खेला गया था, जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, जिसमें धोनी द्वारा साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में लिया गया फैसला उनकी कप्तानी में सबसे खराब फैसलों में से एक कहा जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप के एक मैच में धोनी ने इंग्लैंड द्वारा दिए गए 154 रनों के लक्ष्य के सामने टीम के 2 विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह और यूसुफ पठान जैसे बेहतरीन बल्लेबाजों के होते हुए भी रविंदर जडेजा को पहले भेजा था। रविंदर जडेजा ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में सिर्फ 25 रन ही बनाए और अंत में भारत जीत से 3 रन दूर रह गया था। विराट कोहली से 2016 विश्व T20 के सेमीफाइनल में अंतिम ओवर कराना। साल 2016 का T20 विश्व कप भारत की मेजबानी में खेला गया था। इस T20 विश्व कप ने हर भारतीय फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया था। इस T20 विश्व कप में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में भारत का सामना वेस्टइंडीज से हुआ था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रनों का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही थी। आखिरी ओवर में विंडीज को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी और अश्विन के 2 ओवर बाकी थे, लेकिन धोनी ने चौंकाते हुए विराट कोहली को गेंदबाजी करने को कहा। वेस्टइंडीज ने इस ओवर में लक्ष्य को हासिल कर भारत के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो देना। IPL में धोनी चेन्नई की टीम के कप्तान हैं और अक्सर देखा गया है कि धोनी ने अपने नेतृत्व वाली चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों को अपनी कप्तानी में अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी जगह दी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कई युवा खिलाड़ियों को भारत के लिए खेलने का मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के कई खिलाड़ियों को भारत की टीम में भी ज्यादा तवज्जो दी और खराब प्रदर्शन के बाद भी लगातार मौका देते रहे। इसमें रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना और अश्विन और मोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो फैसला हर किसी को पचना मुश्किल था। IPL में अंपायर के फैसले पर मैदान में घुसना। यूं तो महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट के सबसे कूल कप्तानों में से एक हैं। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल तो कहा जाता है, लेकिन चंद मौकों पर ये कूल कप्तान भी अपना आपा खो बैठा। ऐसी ही एक घटना हमें IPL 2019 में देखने को मिली। 2019 में हुए IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धोनी मैच के आखिरी रोमांच के बीच अंपायर के फैसले से नाराज होकर डग आउट से खड़े होकर मैदान में घुस गए और अंपायर से बहस करने लगे। अंपायर का फैसला सही था या गलत ये तो अलग बात है, लेकिन धोनी जैसे कप्तान का इस तरह मैदान में घुसना सभी की समझ से परे था।